भाई हिंदू राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है। मैं ना ईरानी हूँ ना पाकिस्तानी हूँ, मैं भारत की हूँ, भारत की रहूंगी, ये मेरा देश है। और इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई करेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, और इसको यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए इन्हें बार बार फोर्सफुली जो है अपनी नकली मीडिया के तहत इसको हिंदू राष्ट्र सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मुस्लिम भाइयों से भी कहती हूँ कि ना अपने आप को हिंदू को ना मुसलमान कहो, अपने आप को भारतीय कहो। जब तक आप भारतीय नहीं कहोगे तब तक ये स्वर्ण जातियां, ये 85% का शोषण जो है होता रहेगा। अभी देश में जो चल रहा है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर, तमाम संत साधु मैदान में हैं, साथ में कुछ राजनेता भी लगातार मंचों से ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या ये हिंदू राष्ट्र है भारत? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र था तो अभी डिमांड क्यों हो रही है? मेरे घर में अगर मुझे ही ये मैं ही जो है ये साबित करने पर लगूं कि मैं इस घर की मालिक हूँ, इस घर की मालिक हूँ, अगर मैं मालिक नहीं हूँ तभी मुझे साबित करना पड़ रहा है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए इन्हें बार बार फोर्सफुली जो है अपनी नकली मीडिया के तहत इसको हिंदू राष्ट्र सिद्ध करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनकी कई पुश्तें निकल जाएंगी, इस भारत को हिंदू राष्ट्र ये कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। नकली जो लेप है वो चढ़ा नहीं पाएंगे। और मैं कहती हूं इस देश का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक हिंदू मुस्लिम चलेगा। हिंदू यहां पे कोई है ही नहीं, यहां पर जो है अगर कोई है तो बौद्ध धर्म जो है यहां पर है। यहां हिंदू मुस्लिम जो है इस नाम पर बंटवारा इस देश का आप रोक देना चाहिए। और मैं तो कहती हूं, मुस्लिम भाइयों से भी कहती हूं कि ना अपने आप को हिंदू को ना मुसलमान कहो, अपने आप को भारतीय कहो। जब तक आप भारतीय नहीं कहोगे तब तक ये स्वर्ण जातियां, ये 85% का शोषण जो है होता रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम भारतीय हैं। आपने एक बात कही कि ये तो असल में बौद्ध राष्ट्र है, तो क्या बौद्ध राष्ट्र बनाने की भी आप मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है हर किसी को अपना जो है कोई भी धर्म वो मान सकता है, अपने घर में कुछ भी करो, यहाँ पे लोकतंत्र है, उसकी कोई रुकावट नहीं है। अगर किसी को बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म तो सच्चाई है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ एक धर्म है जिसमें कहते हैं निर्दोषों की हत्या नहीं करनी चाहिए, शराब जो है आप ना पीजिएगा, चोरी मत करिएगा, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करिएगा। जिस दिन इस चीज को फॉलो कर लिया जाएगा कि पराई स्त्री के साथ व्यभिचार ना करें, हमारी 50% जो महिलाएं हैं उनके घर आबाद रहेंगे। नहीं तो पति चोर, तो राखी सावंत ने भी इल्जाम लगा दिया है कि यहां पर इतनी सारी महिलाएं हैं जो पति चोर हैं, ये पति चोरी रुक जाएगी और हमारा जो साम्राज्य है वो भी तहस नहस। इसी वजह से होता है कि कुछ ऐसे शराब में और शबाब में, चाहे हमारे पहले राजा थे और चाहे अब नेता लगा लो, इनको शराब और शबाब में डुबो देते हैं और हमारे 85% के हकों को लुटवाते हैं ये लोग। भारत का संविधान रहते हुए अगर लोग खुले मंचों से ये कह रहे हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र मानते हैं अपने आप को, तो आपको नहीं लगता कि वो वायलेशन कर रहे हैं? बिल्कुल, जो संविधान नहीं मानता है वो भारतीय नहीं है। सबसे पहले तो सिद्ध कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं संविधान नहीं मानूंगा वो तो सिर्फ भारत को छोड़ के ही चला जाए, ठीक है। दूसरी बात है हिंदू राष्ट्र की, भाई हिंदू राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि पासपोर्ट वो लोग बना लें जिन्हें हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं है। नहीं, हम कैसे पासपोर्ट बना लें? हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, 85% ने इसको अपनी लहू से सींचा है, देश हमारा, और हम कैसे पासपोर्ट बनवा लें? जो बाहर से आए वो पासपोर्ट बनवाए ना, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो पासपोर्ट बनवाए। हमारा भारत है, आप मुझे कह दोगे कि पाकिस्तानी है, मैं कहां से पाकिस्तानी हो गया? आप कह दोगे ईरानी है, मैं कहां से ईरानी हो गई? मैं ना ईरानी हूं ना पाकिस्तानी हूं, मैं भारत की हूं, भारत की रहूंगी, ये मेरा देश है। और इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई करेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, और इसको यहां से भाग जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र से आपको? हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था, महिलाओं को तो कहते हैं ताड़न की अधिकारी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि महिलाएं जो है ढोल, पशु, गवार, शूद्र सब नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो गीता प्रेस ने तो अभी ताड़न का शब्द शिक्षा देना कर दिया है। देखिए, गीता प्रेस ने तो इतनी धांधलेबाजी मचा रखी है। गीता प्रेस अगर इतनी सच्ची होती
तो वो संविधान घर घर पहुंचा देती। तुम जो है सड़कों पे गीता को थोपने पे लगे हुए हो, रामायण को थोपने पे लगे हो, किसी दिन संविधान की भी प्रतियां बांट के देख लो ना। तो आपने धर्म का प्रचार करना कौन सा अपराध है? वो तो अपना उनकी आस्था है, अगर रामचरितमानस या गीता पर तो प्रचार कर रहे हैं। देखिए धर्म जो है किसी को फोर्सफुली या प्रचार जो है ना, वो आप सबसे पहले देश चलता है संविधान से। सबसे पहले संविधान का प्रचार होना चाहिए। किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं, मैं कहूं जी धर्म बाद में पढ़ा, धर्म पहले पढ़ाएंगे और साइंस मैथ्स ये बाद में पढ़ाएंगे, तो आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे को तो सबसे पहले ये कीर्तन वीर्तन नहीं पढ़ाओ, हमारे बच्चे को वो चीज़ पढ़ाओ जिससे से नौकरी मिल जाए। अगर मैं गीता पढ़ भी लूं, रामायण पढ़ भी लूं, क्या मुझे कोई पंडित लगा लेगा? मुझे पंडित नहीं लगाएगा, तो मैं पढ़ के भी भूखी मरूंगी। तो मुझे तो ज्ञान आपको देखिए उस ज्ञान का क्या फायदा जिसमें मैं भूखी मर रही हूँ। तो मुझे तो वो ज्ञान चाहिए। विदेशों में हिंदू से आपकी पहचान होती है, ये एक मुख्यमंत्री का कहना है। देखिए विदेशों में ज्ञान की जो बात कह रहे हैं, जितने भी आप कैमरे लिए खड़े हैं ना, ये साइंस की देन है। हैं कैमरे लिए खड़े हो आप, माइक लिए खड़े हो, चश्मा लगा रखा है और कोट पैंट पहन रखा है, ये सारी मशीनों से बन रहे हैं, यानी साइंस। किसकी जरूरत है साइंस की? मैं बोल रही हूँ तो मैंने किताबों से पढ़ा, किताबें किससे छपी? मशीनों से छपी, फिर वो साइंस से आ गई। मैं खेती कर रही हूँ तब किसे साइंस चाहिए? तो हर चीज़ में साइंस चाहिए, तो धर्म कहाँ से आ गया? धर्म तो उनको चाहिए जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। धर्म के बिना उद्धार नहीं है आदमी का। देखिए हमारा तो उद्धार जो है शुरू से लेकर आखिर तक, हमने मेहनत करी है, शिक्षा ली है और कमेरा वर्ग है, कमेरा कमाई के की है, पैसे है हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संविधान है, हमें सब कुछ मिल रहा है। और अगर मैं धर्म की बात करूंगी तो धर्म की तो बात यही होगी जैसे रामनाथ कोविंद जी की, जो देश के प्रथम नागरिक होते हुए भी मंदिर से निकाल दिए गए, ऐसे को मुंह पे जूते लगेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की परिभाषा भी दे रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं वो। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री, तो देखिए मीडिया जिसके साथ में है, वो 25-26 साल का लड़का, उसको सारे उसके चरणों में लेट रहे हैं। कितना दुरुपयोग जो है मीडिया का हो रहा है। और जो गुरु ज्ञान देता है, ट्रेनिंग देता है, उसकी कोई प्रचार इसमें नहीं होता है, सिर्फ नकली बाबाएं। एक तो मेरे को, मैंने कल वीडियो देखी, नंगे जो है बाबा, पता नहीं कौन से मुनि होते हैं कौन से नहीं, महिलाएं खड़ी हैं सारे नंगे नाच रहे हैं। अरे शर्म करो तुम, इतनी जो है वेश्याओं का तो तुम कहते हो और खुद नहीं देख रहे कि महिलाओं के सामने नंगे नाच रहे हो। कौन सा भारत बना रहे हो? नंगों का भारत बनाओगे क्या? है नंगों का, कि तुम भी नंगे और हम भी नंगे, तुम भी नंगे नाच रहे हो, चलो तुम भी नंगे हो जाओ। हमें ऐसी धर्म गाथा नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतना ही वो बन रहा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले तो मुझे ये बता दे कि इतने हमले हमारे चाइना भी बॉर्डर हमारे एक्वायर कर रहा, हमारा एरिया हमें बता देना कहाँ कौन सा दुश्मन छुपा बैठा है, हम जाके पुलिस वाले जो है हमारे सिपाही जो है उस पर धराशाही कर दे। हैं इतने पुलवामा अटैक हो रहा है, कहीं कुछ कोई सा अटैक हो रहा है, अटैक होना बंद हो जाए। अगर ज़्यादा जादूगरी जानता है, सबसे पहले कल एक पंडित की बात आई, महिलाओं के भूत निकालते हैं। कल एक पंडित की बात आई, कहता है जी उसका बेटा ना क्रैश में होके मर गया। मैं कहा बताओ भाई, पंडित का बेटा पोता क्रैश होके मर गया हवाई जहाज, बताओ उसने उसकी कुंडली नहीं बनाई क्या? हैं बता कर लेता कि मेरे बेटे का क्रैश होने वाला है तो उसको मिस कर देता, तो कौन सा चमत्कार माने? जो उन्हीं पर नहीं चल रहा वो चमत्कार माने क्या हम लोग? तो शास्त्री का भाई धमकी दे रहा आप लोगों को, देखिए तमंचे की नोक पर। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री संत और उसके भाई को ही नहीं संभाल पाया, वो आतंकवादी। बताओ मैं अगर तलवार उठा लूँ, मैं कहूँ भाई मैं तो मौर्य साम्राज्य की हूँ और हमारे पूर्वजों ने तो तलवार उठाना सिखाया, तो ये हमें आतंकवादी कह देते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ यही कहा कि भाई 85% को गाली दी हुई, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर तो फरसा लेके संत खड़ा हो जाता है, 25 लाख की जो है ना फिरौती लगा देता कि भाई जो इसका गर्दन कटवा के। एक तो संत हो आप, तो किसी को मारने की तो बात ही नहीं कर सकते। दूसरा संत के पास इतना रुपया आया कैसे? ईडी के छापे तो वहीं लग जाने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े छोटी सी उम्र में इतने इतने किलों में जो है अपना वो जगह बनाई हुई है और उसके एक वीडियो वायरल हुए, देखो मूर्ख इकट्ठे हो गए हैं। तो हम भोले भाले लोगों को ये मूर्ख कह रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता 85 जिस दिन ये मूर्ख जिस दिन जाग गया, ये मूर्ख नहीं है, इसके इतिहास को मिटाया गया है। राजबाला जी आप शिक्षिका भी रही हैं और आपको अच्छा अनुभव है कि आपने छात्रों के बीच भी रहकर काम किया, क्या लगता है जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है कि 85-15 तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं? देखिए शिक्षा में कमी ही कमी है। 2015 से पहले मैं पढ़ भी गई, मैंने MSc भी कर ली, BEd भी कर लिया और मैं टीचिंग भी मुझे 19 साल हो गए थे,
संविधान मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, संविधान कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया, सावित्री बाई फुले कौन होती है मुझे तो बताया ही नहीं गया, बाबा साहब अंबेडकर कौन है हमें तो पता ही नहीं था। तो शिक्षा में तो कोई भी किताब ऐसी नहीं दी है, उसमें तो मनगढ़ंत कहानियां, बच्चों को मोरल स्टोरी में सिर्फ कहानियां पढ़ा देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, तुम्हें दान करना चाहिए। मैंने पढ़ा अपनी किताब में हिंदी की कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये ताड़न के अधिकारी। मैं सोचूं ये नारी ताड़न के अधिकारी, ये कैसे हो गया, मेरे को जची नहीं बातें कुछ। इसीलिए मैंने हिंदी ली नहीं, मैंने साइंस सब्जेक्ट चुना कि ऐसी अटपटी सी बातें इनमें लिखी हैं तो मुझे जो है साइंस लेनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जाति पंडित ने बनाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए बनाई तो जो वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, जिसने अपने आप को ऊंचा रखा है इस भारत को, 85% को नीच कहा इन्होंने, अज्ञानी कहा, और खुद को कहा कि मैं तो भाई बिल्कुल जो है ना धर्म का ज्ञाता हूँ, भगवान के घर से भेजा हुआ हूँ, तो एक जो है डिस्टेंस उसने बना लिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं ये मेरे में ही संस्कार है और मैं तुम्हें जो है शिक्षित करूँगा, और इस 85 ने मान लिया, जिसकी वजह से ये आज तक हमें गुलामी बना रहा है। और ये बिल्कुल सत्य है कि सारे पंडित ही ब्राह्मण है, सारे पंडित ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण ने बनाया या पंडित ने बनाया, बात एक ही है। तो 85% मानने वाले या किसी भी बात को मनवाने वाले, बड़ा कौन होता है दोनों में से? देखिए किसी भी बात को मनवाने वाला वो बड़ा है, मानने वाले तो नहीं। आप जिस 85% की बात कर रहे हैं, क्या वो 85% दिमाग नहीं रखता कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उनको क्या करना है? देखिए ये 85 भारत की धरती ऐसी है, ये भारत की धरती किसी का शोषण करना नहीं जानती है, ये 85% किसी का शोषण करना नहीं जानता है। लेकिन अगर धोखे से, अब वो संत राजू दास, वो बनता तो संत है लेकिन वो फिरौती दे रहा है मरवाने की, तो वो संत नहीं है। ऐसे धोखेबाज को पहचानना हमारा कर्तव्य बनता है, तो अगर हम धोखेबाज को पहचान लें, अब सोशल मीडिया है उससे हमें पता चल रहा है कि राजू दास संत नहीं है, वो एक जो है हत्यारा है, वो फिरौती दे सकता है, इसीलिए मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। पहले ये मीडिया हमारे पास नहीं थी, हमें असली नकली का पता नहीं चलता था।